हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं अनिस और मैं आपसे आज बात करूंगा लिनोवो के K6 पावर के बारे में। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है K6 के बारे में, तो K6 अब पावर के बारे में बनाया हूं। तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस 11,000 से 18,000 या 19,000 के बीच में रह सकता है। तो इस प्राइस में ये फोन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लेते हैं कैसा है ये फोन, इंटरनल में क्या क्या है और मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। अगर हम इसका डिजाइन देखें तो आपको फ्रंट में कैमरे के साथ सेंसर, स्पीकर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नीचे में आपको 3 बटन मिलेगा। अगर बैक साइड आप देखें तो बैक साइड में आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया है, प्लस आपको कैमरे के साथ फ्लैश दिया गया है और वहां पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा और नीचे में लोगो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब डिजाइन है, ग्लॉसी लुक है, अच्छा लुक दिया गया है। राइट साइड में अगर आप देखें वहां पे आपको वॉल्यूम एंड पावर बटन देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो वहां पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा। तो ये सब पूरा इसका डिजाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले इसका है, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1080x1920 पिक्सल का मिलेगा। साथ साथ आपको जो PPI है वो 441 का मिलेगा। अगर हम इसका इंटरनल पार्ट देखें तो वहां पे आपको 1.5 GHz का ऑक्टा कोर कॉर्टेक्स A53 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का। अगर हम इसके रैम की बात करें तो आपको 2 वेरिएंट में आ रहा है। अगर मेमोरी की बात करें तो वो भी 2 वेरिएंट में आ रहा है, मतलब कि आपको 2 GB रैम के साथ 16 GB इंटरनल मिलेगा। अगर 3 GB रैम वाला आप लेते हैं तो 32 GB उसमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा आपको वेरिएंट में मिलेगा। अगर हम इसके GPU के बारे में बात करें तो एड्रिनो का 505 का आपको GPU इसमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम कैमरे की ओर बढ़ते हैं। कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा LED फ्लैश के साथ मिल रहा है विद ऑटो फोकस। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो वहां पे 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है। बैटरी एंड अदर चीजें, बैटरी अगर आप देखें तो वहां पे 4000 mAh का बैटरी, नॉन ड्यूरेबल बैटरी आपको मिलेगा, जिसमें आपको अच्छा बैकअप देगा। साथ साथ आपको अदर चीजें अगर आप देखें तो वहां पे वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि बैक में आपको दिया गया है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कॉम्पास, ये सब सेंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 6.0 मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये फोन रन करने वाला है। साथ साथ डॉल्बी एटमोस का इसमें साउंड क्वालिटी जो फीचर्स दिया जाता है वो आपको इसमें दिया जाएगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये जितना भी फीचर्स मैं आपको बताया, जितना भी इंटरनल पार्ट कुछ भी बताया, वो सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये आने के बाद ही इंडिया में पता चलेगा, इंडिया में अभी तक आया नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना पूरा स्पेसिफिकेशन, अब मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में इतना ही है कि इंडिया में जब आएगा ये फोन तब लोगों को कितना अच्छा लगता है, कितना बुरा लगता है, ये उसी टाइम पता चलेगा। अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है स्पेसिफिकेशन को देख के कि इसमें जो प्रोसेसर है इसका उतना खास नहीं है और ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं इस फोन में, जो कि के सीरीज का पहले का फोन था उसको ही थोड़ा सा डेवलप करके बना दिया गया है। डेवलप करके क्या, कुछ भी इसमें अलग नहीं है अगर आप देखें तो ध्यान से। तो यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर कुछ अच्छा खोज रहे हैं इसमें तो आपको नहीं मिलने वाला है, बस जो सेम चीज है वही मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके आपको दे दिया गया है। तो बस इस फोन के बारे में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।